मेरा नाम है उमर अशरफ और आज एक मैसेज है हमारी तरफ से बेसिकली चाइना के लिए। जैसा हम लोग देख रहे हैं कि लगातार चाइना हमारे मुल्क से टकराव कर रहा है, जंग की हालत में पहुंच रहा है, जो बहुत ही गलत हरकत है। गलत हरकत इस सेंस में है कि पिछले 100 साल की तारीख अगर इतिहास देखें तो भारत ने चाइना को उस दौर में समर्थन दिया है जब चाइना के साथ कोई नहीं खड़ा था। अगर हम बात करें 1962 वॉर की, तो जिस तरह से चाइना ने एक बहुत ही घटिया हरकत की थी, या उससे पहले भारत का क्या रवैया था चाइना के तई, अगर उसको देखें तो भारत ने भाई बनाया था उसे, लेकिन उसने पीठ में खंजर घोंपा। तो बहरहाल एक पुरानी बात हो गई है, लेकिन ये फिर लगातार ये कोशिश कर रहे हैं। जबकि एक दौर देखिएगा जब चाइना और जापान में वॉर हुआ था, तब भारत के लोगों ने चाइना की मदद की थी। हमने बाबते एक मेडिकल टीम भेजी थी चाइना में, क्योंकि उस वक्त चाइना में कुछ था ही नहीं, जंग में बुरी तरह पिट गए थे, जापानियों ने बहुत मार मारा था उन्हें। तो हमने डॉक्टर कोटनीस के सरपरस्ती में एक पूरी टीम गई थी भारत से, जिन्होंने वहाँ पे चाइनीज़ लोगों की मदद की। इसके अलावा अलग अलग दौर में भारत ने चाइना की भरपूर मदद की। ये वो दौर था जब भारत खुद गुलाम था, लेकिन हमने मदद की। लेकिन जब आज़ाद हुआ चाइना, भारत भी आज़ाद हुआ, तो ये लगातार हमसे उलझने की कोशिश कर रहा है। और इसका नुकसान ये हो रहा है कि जहाँ पे हमें साथ में मिलकर एशिया को आगे ले जाना था, तरक्की याफ्ता बनाना था, पूरे दुनिया में लीड करना था साथ मिलकर दो भाई की हैसियत से, वहाँ पे आपस में ही लड़वा रहे हैं। और इसका नुकसान ये हो रहा है कि एशिया कमज़ोर हो रहा है, हमारी सरहद कमज़ोर हो रही है। हम जिस चीज़ को ध्यान देते हैं यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका के इलाके में अपने इंटरेस्ट को बढ़ाने में, हम आपस में उलझे पड़े हैं। तो ज़रूरत है कि चाइना सबक ले और खामोशी अख्तियार करे और हमसे ना उलझे, साथ साथ में तरक्की करते हैं। और अभी बहुत काम करना है एशिया के लिए, इसलिए ज़रूरी है कि साथ में आकर काम करें। वरना अगर जंग ही है, तो हमारे यहाँ तो बहुत मशहूर कहावत है कि युद्ध ही वीर का प्रमाण है, मतलब वीर उसी को माना जाता है जो युद्ध करता हो। तो इसमें नहीं रहे कि अगर जंग होगी तो भारत के लोगों ने हाथ में अपने चूड़ी वूड़ी नहीं पहन रखा है, फिर अच्छे से होगा। लेकिन लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, साथ में रहिए, अच्छे से रहिए, मोहब्बत से रहिए, और साथ में एशिया को मजबूत करते हैं दुनिया में। मतलब एशिया का दौर शुरू हो चुका है, तो ज़रूरत है कि बिना उलझे हुए आपस में हम लोग कुछ वैसा काम करें जो एशिया के लिए, अफ्रीका के लिए और पूरे दुनिया के लिए एक नमूना हो। तो यही एक मैसेज था हमारा बेसिकली चाइना के लिए। शुक्रिया।